और फ्रंट लुक देखोगे अगर आप तो फैन हो सकते हो बाइक का, ये मान के चलो आप। फ्रंट लुक में भी आपको भाई राउंड DRL मिलती है, प्लस फ्रंट आई शॉर्ट प्लेन देखी होगी तो कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल कर रही है बाइक कहीं ना कहीं, देखो जैसे ऑफ रोड पसीने भाई देख रहे हो बहुत बन चुका है यार। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं यामाहा GM मोटर्स पे, अब अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या क्या सिस्टम है। वैसे तो बात हो गई थी ऑलरेडी आपको बता दिया प्रीवियस वाले ब्लॉग में ही कि FZX आ चुकी है शोरूम में, तो अंदर चलते हैं भाई और देखते हैं बाइक कैसी है एक्चुअल में, इसका रिव्यू बताते हैं आपको पूरा डिटेल में बताएंगे अंदर क्या क्या सिस्टम है। वो हियर इज द ब्यूटीफुल FZX ब्रांड न्यू। तो भाई इस बाइक के बारे में बात करते हैं, पहले आप थोड़ा सिनेमैटिक्स एंजॉय करो पहले। दोस्तों बाइक हमने बाहर निकाल ली है, बाहर खड़ी करते देख रहे हो तो एकदम सटीक धूप में बढ़िया धूप पड़ रही है ऊपर से। तो यहाँ पे जो है करते हैं भाई इसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। जैसे साइड प्रोफाइल देख रहे हो बाइक की, देखते यार सबसे पहले बता बहुत बड़ी चीज मेरे क्या लगी इसकी, मैसिव टैंक है ना यार। जैसे FZ में आपको मिलता बहुत बड़ा सा टैंक, ऐसे इसमें देखने को मिलेगा आपको, मतलब पूरी बाइक में आपको टैंक ही बहुत बड़ा मैसिव लगेगा, जो कि इसके मतलब लुक्स को अलग एनहेंस कर दे रहा है, मतलब मैं तो देख पा रहा हूँ। और तुम देख ही पा रहे हो कि भाई साइड प्रोफाइल अगर तुम बाइक की देखो तो भाई स्क्रैम्बलर कैटेगरी में लग रही है मेरे को ये, जहाँ तक है। और तुमने हस्बैंड की शॉर्ट प्लेन देखी होगी तो कहीं ना कहीं उससे रिजेंबल कर रही है बाइक कहीं ना कहीं, देखो जैसे ऑफ रोड टायर मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अपराइट हैंडल बार मिल रही है आपको अगर इस पे बैठोगे आप, सिटिंग पोस्टर जो बनेगा इसका पूछ रहा होगा, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इसकी, ये से जो है स्क्रैम्बलर कैटेगरी में डाल रही है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताना भाई अगर इसमें ज्यादा नॉलेज हो तो आपको किस कैटेगरी की बाइक लग रही है। बाकी भाई देखो और एक अच्छी चीज आपको बताऊं, जिस प्राइस पॉइंट में मिल रही है ये भाई डिसेंट क्वालिटी मिलती है आपको बहुत ही प्यारी। पीछे भी आपको देखो देख सकते हो आप DRL मिलते हैं, टेल लाइट इसके आपको मैं ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार, इग्निशन देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अभी थोड़ी देर में आते हैं, पहले भाई टेल लाइट दिखाता हूँ आपको। ब्रेक ब्रेक मारी जा रहा है इसके सुनो, ये देखो दोस्तों पूरा जो है परिश्रम के साथ दिखा रहे हैं हम। तो भाई आपको यहाँ पे DRL मिल रही है सामने, और फ्रंट लुक देखोगे अगर आप तो फैन हो सकते हो बाइक का, ये मान के चलो आप। फ्रंट लुक में भी आपको भाई राउंड DRL मिलती है, प्लस बीच में आपको प्रोजेक्टर मिलता है, इसी प्रोजेक्टर में मतलब आपको हाई बीम और लो बीम दोनों मिल जाएंगी। तो भाई ये था कुछ फ्रंट प्रोफाइल बाइक का, आई होप आप लोगों को बेहतरीन लग रही होगी बाइक। यार अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, हम इसका राइड रिव्यू अभी नहीं दे पाएंगे आपको, राइड रिव्यू के लिए आपको भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जल्दी आ जाएगी। अभी एक्चुअली क्या है कि शोरूम पे एक ही बाइक आई है तो अभी किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं राइड रिव्यू के लिए, तो मैंने चलो खैर कोई नहीं भाई आप लोगों को वॉकराउंड देना ही सही रहेगा, वैसे वॉकराउंड अभी देख लो उसके बाद राइड रिव्यू आ जाएगा। और भाई अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो सेम आपको FZ वाला इंजन मिलता है सेम टू सेम, इसमें कि दोस्तों आपको 12.4 PS की पावर मिलती है और 13.3 Nm का टॉर्क मिलता है। तो सेम इंजन स्पेक के मामले में देखा जाए तो भाई सेम वही है, FZ है मान के चलो, FZ जो आई आपकी नॉर्मल आती है BS6 वाली सेम टू सेम मान लो। बट क्या है बॉडी वगैरह चैसी वैसी सब कुछ चेंज कर दिया है बाइक की, पूरे स्क्रैम्बलर लुक दे दिया है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा जो है कॉस्टिंग आपकी बढ़ गई है। कॉस्टिंग भाई आपको बताऊं तो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है ऑन रोड जिस शोरूम में मैं खड़ा हूं इस समय GM मोटर्स यामाहा, यहाँ पे आप डील क्रैक कर सकते हो आपका, मैं कार्ड लिंक नीचे डाल दूंगा इसका, यहाँ पे आपको मिलेगी 1,48,000 की अराउंड एंड बस वही है एंड वेंड की। भाई तुम ऑब्वियसली इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हो सेम इंजन स्पेक के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, जो लुक्स वगैरह मैंने आपको दिखाई स्क्रीन में लुक वो तो खैर अलग चीज है, वो तो हटके चीज है ही, प्लस आपको भाई सामने इसका पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको RPM मीटर सर्कुलर RPM मीटर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ स्पीडोमीटर है पूरा। और सबसे अच्छी चीज दोस्तों इसमें क्या है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है आपकी, तो आप अपने फोन को कनेक्ट करो, और जैसे कि आप देख रहे हो और भी बाइकों में फीचर्स वगैरह दे रखे हैं कि मतलब मैप नेविगेशन वगैरह सब कुछ दिखाता है इसमें, मतलब तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सही लगी मेरे को बाइक में। एंड लुक एट दिस, ये भाई 3D लोगो है, ये स्टिकर नहीं है सिंपल, जो FZ में आपने देखा होगा मोस्टली क्या करता है FZ स्टिकर छुपा देता है, तो ये बहुत वो थोड़ा चीप सा लगता है, ये भाई पूरा 3D लगा रखा है इसमें, बैजिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आई होप भाई सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी होंगी। ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं बाइक की, बड़े बड़े डिस्क ब्रेक तुम देख रहे हो यहाँ पे मैसिव एक्चुअली क्या डुअल डिस्क देखने को मिल दिख रहे हैं आपको, डुअल डिस्क ब्रेक है, बट क्या है इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है आपको, FZ में भी सिंगल चैनल ABS मिलेगा, बस यामाहा के R15 में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। तो बस ये था भाई थोड़ी डिटेलिंग वगैरह, बाकी मैंने आपको आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर ही दी हैं इस बाइक में। एंड भाई एट लास्ट माइलेज के बारे में बात बता देता हूँ आपको, तो माइलेज आपको इसमें मतलब क्लेम कर रही है कंपनी की 50 से अब अभी माइलेज मिलेगा 50 to 55 के अराउंड, एंड टैंक कैपेसिटी भाई 10 लीटर की है, तो आई होप मतलब आराम से तुम भाई टूरिंग वगैरह बहुत प्यार से कर सकते हो इस बाइक में, कोई दिक्कत होने नहीं वाली आपको। अगर मैं बाइक पे बैठा के आपको सीटिंग पोस्टर दिखाता हूँ क्या सीटिंग पोस्टर बैठ रहा है बाइक का,
पसीने भाई देख रहे हो भूत बन चुका है यार। गरम सीट भाई स्क्रैम्बलर कैटेगरी में बाइक बनाई है तो फिटिंग बहुत सारा तो बेहतरीन होने वाला है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। देख रहे हो भाई पूरा अपराइट हैंडल बार है, मेरा हाथ पूरा एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ बाइक पे मैं। एंड थोड़ा सा अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूँ, आप लोगों को काफी कंसर्न रहता है सीट हाइट के रिगार्डिंग, तो भाई मेरी हाइट है 5 feet 4 inches और तुम देख रहे हो मेरे पैर कैसे आ रहे हैं बाइक पे, मतलब मैं बस अब मेरे टू ही टच हो पा रहे हैं दोनों। अगर आप पूरा पैर टच करने की कोशिश करो तो पूरा पैर मेरे टच नहीं होंगे, एंकल टच नहीं होगा मेरा, बस टू ही टच हो पा रहे हैं। तो थोड़ा देख लेना अगर भाई शॉर्ट हाइट वाले जो मेरे भाई लोग हैं वो शायद थोड़ा दिक्कत होने वाली है चलाने में उन्हें, तो 5 feet के अराउंड है मतलब 5'2" हो गए 5'1" हो गए तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी 5'4" 5'4" से ऊपर वाले आराम चला सकते हैं, मैं भी चला लूँगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे को। तो यह भाई आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, इसमें कुछ चीज़ रह जाती है मेरे से तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, कोई इशू ही नहीं है। बाकी इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहाँ मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। एंड यह भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। छिप छतुर दिया फेम अजकल आउदा 17 विच नेम अजकल तेरे करके गाने साडे नहीं चलते लंडू लाउंदे मेरे ते बले अजकल।